हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रियलमी 6 से कुछ हिडन फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मैं रियलमी 6 पिछले 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। चले शुरू करते हैं वीडियो। जो पहला फीचर है वो इसका परफॉर्मेंस मोड। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, वहाँ पर आपको बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे लिखा आ जाएगा परफॉर्मेंस मोड। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे ऊपर वाला है वो हाई परफॉर्मेंस मोड। इसमें अगर आप क्लिक करते हो, ये आपका तब काम आएगा जब आप कोई हैवी गेम खेल रहे हो, जैसे पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी एटसेट्रा। इसमें जो आपके फ्रेम ड्रॉप्स है और लैगिंग जो प्रॉब्लम है, 90% सॉल्व हो जाएगी अगर आप इसे इनेबल कर करते हैं। अगर इसे डिसेबल करना तो बड़ा ही सिंपल है। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो ऊपर नोटिफिकेशन दिख जाएगी, आपको इस पर दोबारा क्लिक करना है, अरे डिसेबल हो जाएगा अपने आप ही। देखिए, जो अगले फीचर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी प्राइवेसी को ज़्यादा ध्यान देते हैं तो। इसमें आपको एक चाइल्ड मोड नाम से ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर नोटिफिकेशन पैनल में ही। अगर आप उसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐप मिल जाएगी। ये सिलेक्टेड ऐप है जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है। इस मोड में सिर्फ यही ऐप काम करेगी। अगर आपको इससे बैक जाना है तो आपको पासवर्ड भरना पड़ेगा, और किसी अगर मान लीजिए आपको किसी को फ़ोन देना है और आप चाहते हैं कि वो कुछ सिलेक्टेड ऐप ही यूज़ कर सके, तब ये मोड काम आएगा बड़ा। अगले फीचर की बात करें तो वो है वन हैंड मोड, जो ही बड़ा यूज़फुल फीचर है। नॉर्मली जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो जो इसका स्क्रीन साइज़ है जो रियलमी 6 का है वो 6.5 इंचेस का है, तो जो मुझको नोटिफिकेशन ड्रैग करने में बड़ी दिक्कत होती है ऊपर से। तो अगर मैं वन हैंड मोड को अनेबल कर लेता हूँ तो इसमें बड़ा सिंपल हो जाएगा मेरे लिए। मैं कोई सी भी ऐप चल जाती है, इसमें हर ऐप चल जाती है और काफ़ी स्मूथली चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लेफ्ट हो तो भी इसका साइड चेंज कर सकते हो, जन ऊपर एक एरो, इससे आप अपने जो ओरिजिनल साइज़ में इसको ला सकते हो स्क्रीन को। ये बड़ा ही अच्छा फीचर लगा मेरे को। जो अगला फीचर है उसका नाम असिस्टी बोल है। ये भी आपको नोटिफिकेशन पैनल में ऊपर देखने को मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे मेरा असिस्टी बोल, तो आपको स्क्रीन पे एक वाइट रंग का डॉट देखने को मिल जाएगा। ये आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आपको बार बार बैक लेने के लिए नीचे के बटन से दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर अगर सिंगल क्लिक करोगे तो आप बैक में हो जाओगे, ऐप कोई भी ऐप खोल रखी हो बंद हो जाएगी, और डबल क्लिक करोगे तो वो ऐप बैकग्राउंड में खुल जाएगी। जैसे भी मैं खोल के दिखा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स खोले हैं मैंने। अब मैं इसको अगर सिंगल क्लिक करूँ ये बैक में चली जाएगी, ये भी बैक में होल्ड करके रखूँ अगर इसको, तो ये जो होम स्क्रीन है उस पर ले आएगा, और डबल टैप करूँ उसको ये बैकग्राउंड के ऐप खोल देगा। ये देखिए खोल दिए, बड़ा इजी है। अगर बार बार आप नीचे नीचे के नेविगेशन बार उसका यूज़ नहीं करना चाहते तो बड़ा यूज़फुल है ये। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी और साइज़ दोनों चेंज कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर लगा मेरे को, बड़ा यूज़फुल फीचर है, जिसका नाम है बेड टाइम मोड। अगर आप इसे इनेबल कर लेते हैं, इसे मैंने इसको इनेबल करा, तो जो आपके जो स्क्रीन के सारे कलर वो डिसेबल हो जाएंगे, सिर्फ आपको स्क्रीन पे ब्लैक एंड वाइट कलर दिखेंगे। और ये नाइट मोड में बड़ा काम आएगा, जब आप रात को फ़ोन चलाएंगे तो आपके जो आँखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।